नमस्कार। आपके इस नए वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एल्गी। ठीक है, एल्गी में हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, हाउ कैन रिप्रोड्यूस एल्गी, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी में ना, वो है क्या चीज़? तो कह रहा है कि रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब कि पेरेंट्स से जो नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है उसी को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन कहेंगे। ठीक है, या दूसरे शब्दों में रिप्रोडक्शन को क्या कह सकते हैं? ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ। मतलब कि इस धरती पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इस धरती पर जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर इस धरती पर कोई एग्जिस्ट कर रहा है, कोई है, और अगर कोई एनिमल कोई भी एनिमल है या कोई प्लांट है, अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो किसके वजह से एग्जिस्ट कर रहा है? तो यह रिप्रोडक्शन के वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज कीजिए कि जैसे कि ओराजाई सटाइवा है या धान की खेती है, ओराजाई सटाइवा, अगर इसमें रिप्रोडक्शन ना होता हो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो न सीड का फॉर्मेशन होगा, जब सीड का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो यह हमारे धरती से क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा, पृथ्वी से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है, और अगर वो इस धरती पर पाए जा रहे हैं तो मात्र मात्र किनका रिजल्ट है? रिप्रोडक्शन की ही वो देन है। ठीक है, देखिए रिप्रोडक्शन कितने होते हैं? तो रिप्रोडक्शन होते हैं तीन तरह के रिप्रोडक्शन होते हैं इस धरती पे। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो इस तीन तरह के रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन ही करते हैं। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि तीनों रिप्रोडक्शन किसी एक में पाया जाए, ठीक, ये नहीं जरूरी है। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनमें वेजिटेटिव और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे होते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं कि होता क्या है। तो सभी एनिमल में, सॉरी एनिमल की ना बात करें तो यहाँ पे हम केवल और केवल यहाँ पे हम केवल और केवल एल्गी की बात करेंगे। ठीक है, तो सभी एल्गियों में जो कॉमन रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जो कॉमन टाइप के रिप्रोडक्शन जो पाए जाते हैं वो होते हैं वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड। ठीक है, देखिए अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें, तब कि जब कोई भी एल्गी चाहे वो फिलामेंटस फॉर्म हो, साइफोनिशियस फॉर्म हो, पेरेन्काइमेटस फॉर्म हो, ठीक है, इस तरह की कोई भी एल्गी है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को छोड़ करके जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो सारे एल्गियों में पाया जाएगा। ठीक है, होता क्या है कि जब प्लांट पार्ट, थैलस पार्ट का जिसको हम कहते हैं, क्योंकि एल्गी में थैलस पाया जा रहा है, तो थैलस पार्ट अगर कहीं से टूट जा रहा है,
या पूरा पार्ट सड़ जा रहा है, कहीं से कुछ बचा हुआ, थोड़ा सा हिस्सा उसका बचा हुआ है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जब वो फेवरेबल कंडीशन आएगा तो उस फेवरेबल कंडीशन में फिर से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ग्रोथ करेगा तो वो होगा आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा, या यूं कहें कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का वो हिस्सा होगा, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा और हम डिफाइन करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कभी भी क्रोमोसोम लेवल चेंज नहीं होता है ना, नेवर नेवर चेंज चेंज द क्रोमोसोम लेवल। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एल्गी है तो अगर वो 4N है, ठीक है, 4N है, 2N है, कोई भी एल्गी है अगर इस तरह का कुछ है, मतलब जितना क्रोमोजोम की संख्या जितनी होगी उतने ही उनके आने वाले जो प्रोजनी होंगे उतने ही क्रोमोजोम की संख्या उसमें होगी। क्रोमोजोम लेवल कभी भी चेंज नहीं होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। जितना जितना उस सेल में क्रोमोजोम होते हैं आने वाले प्रोजनी में उतने ही क्रोमोजोम होते हैं, बिकॉज कि यह एक फिजिकल चेंज है, यह एक फिजिकल चेंज है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है, एक फिजिकली चेंज हो रहा है। फिजिकली चेंज कहने का मतलब मेरा है कि अगर ये मान लेते हैं कि यह एक थैलस है, यह थैलस है, और ये थैलस को यहाँ से तोड़ दिया जाए, यहाँ से तोड़ दिया जाए, यहाँ से तोड़ दिया जाए, अगर ये टूट गया और ये टूट करके जा करके किसी सबस्टेशन से अटैच होगा या किसी पॉन्ड में लैक में कहीं जहाँ है, यह जहाँ इस तरह की कोई मतलब जहाँ जो अरिनियम पाया जा रहा है वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, कि अगर इस तरह से टूट गया, ठीक है, अब ये अलग अलग हिस्सा 1 2 3 4 5 ये अलग अलग हिस्से जो बन रहे हैं वो अलग अलग जाकर के अलग अलग प्लांट बना लेंगे, ठीक है। प्लांट तो सॉरी थैलस तो अलग अलग बनाएंगे लेकिन जो थैलस के शो होंगे वो सेम पेरेंट की तरह होंगे, ठीक है। सेम कैसे होंगे, पेरेंट की तरह होंगे, है ना। द थैलस लुक लाइक एज पेरेंट, द थैलस लुक लाइक एज पेरेंट, मतलब कि यहाँ पे पांच थैलस, 1 2 3 4 5 पांच थैलस बन रहे हैं, पांच थैलस, पांचों थैलस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। एक थैलस, दो तीन चार पांच, ये पांच हैं तो पांचों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, बट जो इनका मेन बॉडी जो होगा, ठीक है, वो कैसा दिखेगा, अपने पेरेंट की तरह, या ऑफस्प्रिंग है, ठीक। अब हमको लगता कि आप लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि मैंने जब कहा कि क्रोमोसोम का लेवल इसमें चेंज नहीं होगा, है ना, क्रोमोसोम का लेवल चेंज नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ से तोड़ा, फ्रेगमेंटेशन, इसको इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि मैं कई एक प्लांट एक थैलस को अगर कई हिस्सों में टूट जाता है और वो कहीं सजा करके जहाँ से अटैच होता है वहाँ पर अटैच होकर के नया प्लांट बनाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो इसमें कहीं भी जीन की बात नहीं आएगी, ठीक है, कहीं भी जीन की बात नहीं की जाएगी, कहीं भी क्रोमोसोम की बात नहीं की जाएगी। जितना एक सेल की कैपेसिटी जितनी है, जितनी एक सेल की कैपेसिटी है, ठीक है, वही कैपेसिटी आने वाले प्रोजनी की होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर यह सेल 2N है तो नेक्स्ट प्रोजनी भी 2N ही होगी, क्योंकि इसके क्रोमोसोम लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, ठीक है। अच्छा, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसके पीछे भी रीजन है, क्यों इफेक्ट नहीं पड़ा, रीजन यह है कि देखो जब क्रोमोसोम लेवल तब चेंज होगा जब प्लांट में मियासिस डिवीजन हो, क्या हो, क्रोमोसोम
क्रोमोजोम लेवल तब चेंज होगा जब मियासिस डिवीजन होगा। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनते हैं, अगर हाफ नंबर क्रोमोजोम, जो सेल जितना क्रोमोजोम होता है उसका क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं, तो 2n है तो हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। अगर 4n है तो हाफ क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ हो जाते हैं, जितना क्रोमोजोम होता है उसका हाफ हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्रोमोजोम लेवल यहाँ पे चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब हम मियासिस डिवीजन की बात करेंगे, माइटोसिस डिवीजन की जब हम बात करते हैं, तो आप जानते हैं कि माइटोसिस डिवीजन में क्या होता है, कॉपी पेस्ट होता है। मतलब कि अगर जितना सेल का क्रोमोजोम लेवल है उसी का सेम पेस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2n से 2n। आई बात समझ में? तो ये होगा आपका, ये टोटल आपका हो गया क्या, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कई तरह के होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला आता है फ्रेगमेंटेशन। अभी जो हमने प्रोसेस समझाया आपको, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फ्रेगमेंटेशन। मतलब कि प्लांट बॉडी फ्रेगमेंट, कई फ्रेगमेंट में क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, टूट जाए। ठीक है, ऐसे को क्या कहेंगे, बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, पहला प्रोसेस फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में फ्रेगमेंट बन जा रहा है, मतलब कई हिस्से, कई टुकड़े बन जा रहे हैं। ठीक है, कई टुकड़े बन जा रहे हैं, इसको कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। दूसरा आपका होगा बाय एथ एंड डिकेइंग, डेथ एंड डिकेइंग प्लांट पार्ट या थैलस पार्ट, मतलब कि अगर कोई कोई प्लांट पार्ट है, मान लीजिए कोई थैलस है, यही थैलस है। अब इस थैलस में जब यह फेवरेबल कंडीशन था तब इतना इतना बड़ा यह था, थैलस था। जब अनफेवरेबल कंडीशन आया तो क्या हुआ, इतना थैलस इधर का सड़ गया, डेड हो गया। ठीक है, यह खत्म हो गया, बचा कितना, इतना ही बचा हुआ। ठीक है, यह किसी तरह सरवाइव किया, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा फिर यह इतना जो टुकड़ा बचा हुआ है वो टुकड़ा क्या हो जाएगा, फिर नया थैलस आपका बना लेगा। ठीक है, हम यहाँ पे दो दो टर्म का नाम लिए, फेवरेबल और अनफेवरेबल। यहाँ पे हमने दो टर्म का नाम लिया है, फेवरेबल फेवरेबल और एक अनफेवरेबल। फेवरेबल और अनफेवरेबल, ठीक है। तो फेवरेबल क्या होगा, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म, ऐसा मौसम, ऐसा समय, ऐसा कंडीशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को ग्रोथ करने में सहज महसूस करे, सहज फील करे, उसी कहेंगे फेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन, ऐसा कंडीशन, ऐसा मौसम, ऐसा समय जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप का ग्रोथ ना कर पाए, ठीक है, या ग्रोथ करने में असहज महसूस कर रहा हो, उसे कहेंगे अनफेवरेबल कंडीशन। क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एल्गी,
चूंकि हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं एलगी, तो एलगी का फेवरेबल कंडीशन होता है भैया यह रेनी, क्या होता है रेनी डे। तो यहाँ पर फेवरेबल कंडीशन की जब बात आएगी तो फेवरेबल कंडीशन कौन सा है यहाँ पर, रेनी डे, जो रेनी समय है, रेनी डे जो है, ठीक है, मतलब वर्षा का जो समय है, वर्षा का जो समय है वो क्या कहलाएगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। अब फेवरेबल कंडीशन कौन सा यहाँ पर, जब जून जुलाई जून 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 जब जैसे ही बरसात स्टार्ट होता है, मान लेते हैं कि 15 जून के बाद बरसात स्टार्ट होता है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये सब कैसे मौसम होते हैं, फेवरेबल कंडीशन होते हैं किसके लिए, एलगी के लिए, ठीक है, क्योंकि इस समय भरपूर अमाउंट में बारिश भी होता है और चारों तरफ मौसम क्या होता है, पानी से भरा होता है, तो इसमें एलगी बहुत ज़्यादा ग्रो, आप लोग बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। आप लोग देखते होंगे घरों के बाहर जब बरसात के समय में, बरसात के समय दीवार पे जहाँ पानी गिरता है वहाँ पे एक ग्रीन ग्रीन तरह का, जिसको कहते हैं ना काई लग गया है, तो काई लग गया मतलब कि एल्गी का वहाँ पे ग्रोथ हुआ है, ठीक है, एल्गी ग्रोथ की है। अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन होगा क्या, जब एल्गी ग्रोथ ना करे या ग्रोथ करने के लिए अपने आप को ग्रोथ ना कर पाए। ग्रोथ अब देखिए, अब यही देखिए, फरवरी मार्च अप्रैल और मई, इतनी गर्मी होगी, मई मार्च अप्रैल मई में इतनी गर्मी होती, इतनी गर्मी होगी कि वहाँ पे तो हम लोग को रहना मुश्किल हो जाता है, तो ये एल्गी कहाँ से रहेगी। तो ये अनफेवरेबल कंडीशन वो होता है जहाँ पर यह ग्रो नहीं कर पाते हैं या असहज फील कर रहे होते हैं, वो अनफेवरेबल कंडीशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कह रहा है कि द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इंक्लूड दोज मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन विच पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी बिकम सेपरेटेड। हमने बोला कि ना पोर्शन ऑफ द प्लांट बॉडी मतलब प्लांट बॉडी का कोई हिस्सा, सेपरेटेड ऑफ मतलब टूटकर निकल जाए, गो टू राइज टू इंडिविजुअल, अगर टूट के निकल जा रहा है उसके बाद वो क्या बनेगा, नया इंडिविजुअल बनाएगा, ठीक है। प्रोसेस डज इन्वॉल्व द मियासिस, हमने आपको बताया, पहले ही बताया कि जो प्रोसेस होता है उसमें मियासिस डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, डज नॉट इन्वॉल्व मियासिस डिवीजन, मियासिस डिवीजन नहीं होता है, इसीलिए ना मियासिस डिवीजन नहीं होता तो क्रोमोजोम का लेवल चेंज नहीं हो पाता है, ठीक है। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, न मियासिस डिवीजन होता है न न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है ना, एंड प्रोडक्शन ऑफ द स्पोर, ठीक है। यहाँ देखिए, वेरी कॉमन मोड ऑफ मल्टीप्लीकेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड, डिफरेंट मेथड मेथड की चर्चा करते हैं। देखिए, बाय सेल डिवीजन मतलब कि सेल क्या हो जाए, कि डिवाइड हो जाए, यानी कि कैसा डिवाइड हो जाए, ट्रांसवर्स डिवीजन हो जाए, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो जाए, चाहे बाइनरी फिजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मियासिस डिवीजन न हो, ठीक है, मियासिस डिवीजन न हो। देखिए यहाँ पे ये सेल है, तो ये सेल डिवाइड कर रहा है यहाँ से, ठीक है, और यह सेल यहाँ से डिवाइड करके ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक यह बन जाएगा और एक दूसरा वाला यह बन जाएगा, ठीक है। तो एक ही ऑफस्प्रिंग से, एक ही प्रोजेनी से, पेरेंट से दो इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो हुआ ना यह रिप्रोडक्शन, ठीक है। जैसे कि देखिए डायटम्स होते हैं, युगलिना होते हैं, वो कैसे, ये गुलिना युगलिना ही है, देखिए कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। हमने बोला कि दूसरा चीज है क्या है, फ्रेगमेंटेशन, कैसा फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है।
मतलब फ्रेगमेंट में बट जाना, अलग अलग टुकड़ों में, हिस्सों में बट जाना। देखिए यहाँ पे सेप्टा का फॉर्मेशन हुआ है, एक फ्रेगमेंट यह बन गया है, एक फ्रेगमेंट यह बन गया है, तो एक इंडिविजुअल यह हो गया, एक इंडिविजुअल यह हो गया, दो इंडिविजुअल हो गए बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, किसमें होता है भैया? यूलोथ्रिक। अब देखिए उसी में होगा जो फिलामेंटस फॉर्म के होंगे, या यू कहें कि यूनिसेलुलर फॉर्म छोड़ करके सारे में फ्रेगमेंट, सारे में ये सब मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन वाला हिस्सा पार्ट प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, देखिए बाय बडिंग भी है, प्रोटोसाइफॉन, प्रोटोसाइफॉन में बडिंग, बडिंग बडिंग मतलब देखिए एक ही सेल में, सेल के क्या है कि साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म जो हो रहे हैं वो क्या हो जा रहे हैं, वो डबल हो जा रहे हैं। ठीक है, इंक्रीज कर जा रहे हैं साइज में, इंक्रीज कर जा रहे हैं, और जब साइटोप्लाज्म साइज में इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, उनके न्यूक्लियस की भी एक कॉपी बनेगी, और जब न्यूक्लियस की कॉपी, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस की कॉपी बन रही है, ठीक है, मतलब कि वो मियासिस डिवीजन, माइटोसिस डिवीजन तो नहीं करेगा। ठीक, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस एक, फिर इसकी एक कॉपी बन रही, देखिए, ठीक है, यह और यह दो, दो न्यूक्लियस डिवाइड हो गए और साइटोप्लाज्म में डिवाइड हो गया, यानी कि दो सेल अलग अलग हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो है वो एमाइलम स्टार्स, एमाइलम स्टार्स। ठीक है, ये जो होता है वो जनरली जो कैरोफाइसिक जो मेंबर होते हैं, मतलब कैरा में जो होता है, कैरा, कैरा जो होता है, जो कैरोफाइसिक का मेंबर है, उसमें इस तरह के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। ठीक है, एमाइलम स्टार्च क्या, देखिए यह अंदर अंदर, ये अंदर अंदर जो हिस्सा होगा यह प्रोटीन का बना होगा, प्रोटीन का बना होता है, और जो बाहर बाहर जो हिस्सा होता है वो स्टार्च, स्टार्च का बना होता है। ठीक है, स्टार्च का बना होता है, और ये दे लुक लाइक एज स्टार्स, सॉरी स्टार, दे लुक लाइक एज स्टार, इसलिए इसको कहते हैं एमाइलम स्टार। और ट्यूबर्स, ट्यूबर में समझते ही हैं कि ट्यूबर मिस होता है, गांठ देखिए यहाँ रूट बल्बिल बना हुआ है, ये ट्यूबर की तरफ अलग अलग सेपरेट होंगे, तो दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म अ न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, कुछ में होता है कि एडवेंटिशियस ब्रांचेज, एडवेंटिशियस ब्रांचेज क्या होते हैं कि जब ब्रांचिंग, एडवेंटिशियस मानी ब्रांचिंग पे जब कोई रेगुलेट नहीं हो पाता, यानी कि कोई रेगुलेशन नहीं होता, यानी कि अनलिमिटेड, अनलिमिटेड वो रेगुले, अनलिमिटेड बढ़ता रहता, बढ़ता रहता, बढ़ता रहता है, तो एक समय ऐसा आएगा कि वो टूट जाएगा, वो अपने, अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा। जब वो अपने पेरेंट से अलग हो जाएगा तो क्या करेगा, जाकर कहीं पर अटैच होगा, और अटैच होकर के नया उसी तरह का प्लांट बनाएगा जिस तरह के उसके पेरेंट से टूट के आया हुआ है। ठीक है, इस तरह का जो होता है एडवेंटिशियस जो ब्रांचिंग होती है वो कैरा में देखने को मिलती है। ठीक है, कैरा में एडवेंटिशियस ब्रांचिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ही बात करते हैं, हम नेक्स्ट बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय विच ऑफ स्प्रिंग एराइज, ऑफ स्प्रिंग एराइज फ्रॉम ए सिंगल ऑर्गेनिज्म एंड इनहेरिट द जीन ऑफ दैट पेरेंट ओनली। मतलब कि अपने ही अंदर कोई ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही अंदर अपने आप को मॉडिफाई कर दे रहा है, मॉडिफाई करके और नया ऑर्गेनिज्म बना ले रहा है, और वो नया ऑर्गेनिज्म कैसा कैसा दिखेगा, अपने पेरेंट की तरह दिख रहा है, उसी को कहेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नेवर, नेवर यहां पर कभी भी नेवर इन दिस प्रोसेस ऐसे लिखेंगे, इन दिस प्रोसेस
नेवर नेवर टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म आर रिक्वायर्ड। दो तरह के ऑर्गेनिज्म का रिक्वायरमेंट नहीं होता यहाँ पे, दो तरह के ऑर्गेनिज्म का, मेरे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर फीमेल और मेल का कोई ऐसा कंडीशन नहीं होता है कि मेल और फीमेल मिले तो ही नया ऑफस्प्रिंग बने, ठीक है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, अपने ही अंदर नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म कर लेती है विदाउट मेटिंग ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम फैमिली या सेम जीनस, ठीक है। और इस तरह के रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इट इज रिप्रोडक्शन विच ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व पोलाइडी ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें पोलाइडी का कोई बात नहीं होगा, इसमें भी मतलब पोलाइडी का कोई बात नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर भी क्रोमोजोम लेवल कुछ चेंज वेंज नहीं होगा, कहीं कोई क्रोमोजोम नहीं चेंज होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर यह ऑफस्प्रिंग एन टाइप का है, यह भी ऑफस्प्रिंग एन टाइप का है, तो कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ही क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। तो जो ऑफस्प्रिंग के अंदर ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो रहा है तो क्या होगा, उसमें कभी भी यह नया ऑर्गेनिज्म में जो होगा वो कभी भी नया ऑर्गेनिज्म में कभी भी उसके क्रोमोजोम लेवल चेंज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्ट जीनेटिक कॉपी, ऑफस्प्रिंग विल बी एग्जैक्ट जीनेटिक कॉपी ऑफ द पेरेंट, ठीक है, एक्सेप्ट इन द स्पेसिफिक केसेस ऑफ ऑटोमिक्सिस। अगर ऑटोमिक्सिस नहीं हो रहा है तो क्या होगा, जो कॉपी क्या होगी, सेम कॉपी होगी। सेम कॉपी मतलब अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्रोमोजोम लेवल जो होंगे वो भी इसमें चेंज नहीं होंगे, क्रोमोजोम लेवल चेंज नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इट इन्वॉल्व द रिजुवेनेशन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट का क्या होता है, रिजुवेनेशन होता है, मतलब पुनः प्रोटोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर थ्रू फॉलोइंग मेथड, पहला बाई जूस्पोर फॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे जूस्पोर बने हुए हैं, जूस्पोर फॉर्मेशन। देखिए, दीज आर मोटाइल एंड नेकेड रिप्रोडक्टिव बॉडी, विच डेवलप इनसाइड द स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज जूस्पोरेंजिया। यह एक तरह का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव बॉडी होती है जो जो होते हैं बाय जूस्पोर फॉर्मेशन, दीज आर मोटाइल एंड नेकेड रिप्रोडक्टिव पार्ट, मोटाइल एंड नेकेड रिप्रोडक्टिव बॉडी होते हैं, ठीक ना। अब बनते कहाँ हैं, जूस्पोरेंजिया में, या यूं कहें कि जैसे कि अगर भात बनाने के लिए एक भगोना होता है तो भात अलग भगोना अलग होता है, उसी तरह यहाँ पर जूस्पोर जो बन रहा है, जो जूस्पोर बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, जूस्पोरेंजिया में बनेगा, ठीक है। दिस प्रोसेस टू फोर आर मेनी फ्लेजिला एंड आर एबल टू स्विम इन वाटर। इस प्रोसेस में जब प्रोसेस बनेगा, मतलब जूस्पोर बनेंगे, उसमें बहुत सारे फ्लेजिला का फॉर्मेशन हो सकता है। कैसे हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं,
ना? और वो फ्लैजिला क्या करते हैं, वाटर में स्विम के काम आते हैं, उसी से यानी फ्लैजिला से ही जो जूस्पोर होंगे वो स्विम करते हैं, ठीक है। इच जूस्पोरंजियम में प्रोड्यूस ओनली ओनली वन ओडोगोनियम, इच जूस्पोरंजियम में प्रोड्यूस ओनली वन, यानी कि एक ही जूस्पोरंजियम फॉर्मेशन होता है किसमें, ओडोगोनियम में। मल्टीपल होते हैं आप फोर यूलोथ्रिक्स में, मेनी होते किसमें, क्लेडोफोरा में, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, इसमें एक होता है किसमें, चार होते हैं किसमें, बहुत सारे होते हैं। फ्लेजिला में भी प्रेजेंट एट द इंटीरियर इंटीरियर एंड, ठीक है। तो जो ग्रीन एल्गी होते हैं, ग्रीन एल्गी में इंटीरियर मतलब ऊपर वाले हिस्से पे पाए जाते हैं, ऊपरी वाले हिस्से पाए जाएंगे। और ऑन द लेटरल साइड ब्राउन एल्गी में कहाँ होते हैं, लेटरल साइड बगल बगल में पाए जाते हैं, है ना। दे आर ऑलवेज फॉर्म्ड इन फेवरेबल कंडीशन, हमने बोला अभी कि ये सब कहाँ बनेंगे, जब बनेंगे तब जब उनका फेवरेबल कंडीशन होगा, ठीक है। फेवरेबल कंडीशन मतलब बरसात का समय होगा। द जू स्पोर्स आर ऑलवेज मोटाइल, जू स्पोर कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए हम अब आपको सीधे हम लेके चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो डिफरेंट टाइप के गैमेट की आवश्यकता होती है ना। नया ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए दो डिफरेंट टाइप के गैमेट की आवश्यकता होती है, ठीक है। मतलब एक बिहेव करेगा फीमेल की तरह, एक बिहेव करेगा मेल की तरह, और नया ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि एल्गी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होती है, यानी प्लांट बॉडी कैसी है, यन टाइप की है। ये भी प्लांट बॉडी कैसी है, यन टाइप की है। तो जो जायगोट बनेगा भैया वो कैसा होगा, टू यन टाइप का होगा, ठीक है। बिकॉज कि क्या कर रहे हैं, फ्यूज कर रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज कर रहा है, कैरियोगेमी हो रहा है यहाँ पे, फ्यूजन सॉरी कैरियोगेमी कर रहे हैं, सिंगम यहाँ पे हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, ठीक है, फ्यूजन हो गए यहाँ पे बनेंगे, ठीक। उसके बाद से इस जायगोट में क्या होगा, जायगोट में फिर क्या होगा, मियासिस डिवीजन होगा, और मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप क्या हो जाएंगे, इन क्रोमोजोम का बंटवारा हो जाएगा, और यानी अन टाइप के क्रोमोजोम बनेंगे, मतलब क्या सेल बनेंगे, चार सेल आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग को पता भी है कि मियासिस डिवीजन के फलस्वरूप कितने सेल्स बनते हैं, तो चार सेल्स बनते हैं, वो भी कैसे होंगे, तो डिप्लॉयड से क्या बनेंगे, हैप्लॉयड सेल। यह है, यह आपका क्या है, ये आपका हो जाएगा डिप्लॉयड, ये हो गया डिप्लॉयड, ये हो गया आपका चारों कैसा, हैप्लॉयड, ठीक है, एक डिप्लॉयड और हैप्लॉयड। और ये भी जान लीजिए कि जो पहला सेल जो बनता है एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो पहला सेल बनता है वो कैसा बनता है, तो वो डिप्लॉयड बनता है, ठीक है, वो डिप्लॉयड बनता है, फिर डिप्लॉयड से क्या होता है, हैप्लॉयड बनता है, ठीक। इतनी बातें समझ में आई। देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। पहला पहला आइसोगैमी, दूसरा एन आइसोगैमी, तीसरा उओगैमी। एकदम से हम साधारण भाषा में आपको समझा दे रहे हैं कि आइसोगैमी क्या होता है। आइसो मीन समान, वेन मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गेन आर इक्वल इन साइज एंड इक्वल इन नंबर, मतलब इक्वल इन साइज मतलब कि अगर अगर फीमेल जितनी बड़ी है उतने ही बड़ा क्या होगा, मेल होगा, ठीक है। और वो दे आर मोटाइल होंगे, वो दोनों कैसे होंगे, वो मोटाइल होंगे, ठीक ना, उनको कहेंगे आइसो, आइसो मीन्स वर्ड ही दिख रहा है, आइसो मीन्स होता है समान। तो मेल एंड फीमेल दोनों मोटाइल हो और दोनों का शेप एंड साइज क्या हो, एक समान हो, ऐसे ऐसे रिप्रोडक्शन कहते हैं आइसोगैमी। इन आइसोगैमी में क्या होता है कि जो फीमेल होती है ना, फीमेल थोड़ी सी छोटी होती है, नहीं सॉरी, मेल मेल कैसा होता है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए,
जो फीमेल होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन जो मेल होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है साइज में, बाकी दोनों मोटाइल होते हैं, लेकिन फीमेल ही केवल थोड़ी सी बड़ी होगी और मेल थोड़ा सा छोटा होगा साइज में, बाकी दोनों क्या होंगे, मोटाइल होंगे। यानी कि स्ट्रक्चर में इनके, साइज में इनके क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो साइज डिफरेंट होगा मतलब क्या है, एनाइसोगैमी होता है। अब उओगैमी का अगर हम बात करें, उओगैमी की अगर हम बात करें, अगर हम उओगैमी की बात करेंगे तो फीमेल जो होगा, सॉरी, जो फीमेल होगी वो बल्गी होगी, बड़ी होगी और नॉन मोटाइल होगी। कैसी होगी, नॉन मोटाइल होगी, और जो मेल होगा वो छोटा होगा, ठीक है, और मोटाइल होगा। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया फीमेल, नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल, और मेल क्या होगा, मोटाइल, ठीक है, मेल क्या होगा, मोटाइल होगा। फीमेल नॉन मोटाइल और मेल कैसे होंगे, मोटाइल होंगे। अब जब इस तरह का रिप्रोडक्शन होगा, ये दोनों जब मेटिंग करें, कंजुगेट करेंगे, इस तरह के रिप्रोडक्शन को क्या कहेंगे, वो गैमी होता है, ठीक है। तो जितने भी प्लांट होते हैं भैया, एंजियोस्पर्मिक जितने प्लांट होते हैं वो सारे कैसे करते हैं, उओगैमस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और जो एनिमल होते हैं, एनिमल में होते हैं मतलब जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन बीइंग है वो भी कैसे रिप्रोडक्शन कहेंगे, वो भी उओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, उओगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए, जो ओवम होता है, ओवम जो होता है वो नॉन मोटाइल होती है। ओवम जो होती है मतलब जो फीमेल से रिलीज होती है ओवम, वो नॉन मोटाइल होता है, और जो मेल से रिलीज होता है स्पर्म वो कैसा होता है, मोटाइल होता है, ठीक है ना। तो स्पर्म ही ओवम के पास जाकर के फ्यूज करता है, फीमेल मतलब फीमेल पार्ट आकर के मेल पार्ट से फ्यूज नहीं करती, मेल पार्ट जाकर के फीमेल पार्ट से फ्यूज करता है, इसलिए इस तरह के रिप्रोडक्शन क्या कहेंगे, ओगैमी कहेंगे, ठीक है, ओगैमी कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सारा देख लीजिए, एक आपके सामने एक चार्ट पड़ा हुआ है, रिप्रोडक्शन इन एल्गी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, आइकाइनेट, फॉर्मेट ट्यूबर फॉर्मेशन, हार्मोगोनिया, एडवेंटिशियस थैलाइया, एडवेंटिशियस ब्रांचेज, इस तरह के हैं, किसमें पाया जा रहा है इसका एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखिए, जूस्पोर फॉर्मेशन, सिंजोस्पोर होता है, प्लानोस्पोर, थाइपनोस्पोर, ऑटोस्पोर होता है, उस किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। एक एक मैं स्पेसीज का नाम बता दे रहा हूँ, क्लेमाइडोमोनास, अगर कुछ नहीं आए तो क्लेमाइडोमोनास को आप लोग नोट कर लीजिए। क्लेमाइडोमोनास में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन, हाइपनोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, सब होता है। ये कॉमन है, क्लेमाइडोमोनास में आइसोगैमी भी होता है, एन आइसोगैमी भी होता है और उओगैमी भी होता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। क्लेमाइडोमोनास एक कॉमन एग्जाम्पल है कैसा, जिसमें तीनों तरह के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, और एप्लानोस्पोर, हाइपनोस्पोर, ऑटोस्पोर सबका फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये सारा आज हम लोग जो एल्गी का जो ये था चैप्टर, वो आज हम लोग कवर कर लिए हैं। तो यहाँ से बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं क्या पढ़ते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो देखिए आप लोग, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।